स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों में धर्मशाला के लोग अब सफर कर पाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राज्यीय बस अड्डा धर्मशाला से बसों को हरी झंडी दिखाई है। सभी बसें हिमाचल पथ परिवहन निगम के निर्धारित रूट पर दौड़ेंगी। बसों को कुछ दिन पूर्व ट्रायल के तौर पर चलाया गया था। इसके बाद सीएम ने अपने मंत्री व विधायकों के साथ मैकलोगंज तक का सफर किया। इस दौरान डीसी एसपी कांगड़ा व चाटीसी के एमडी मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक बसें 45 से 50 मिनट में चार्ज हो जाएंगी और 180 किलोमीटर तक दौड़ेंगी। हालांकि चालकों को ये निर्देश दिए हैं कि जब बैटरी 20% रह जाए तो बसें ना चलाएं और इन्हें चार्जिंग स्टेशनों में चार्ज करें। इलेक्ट्रिक बसों के चलने से हरित परिवहन को बल मिलेगा। प्राइवेट बस मालिकों से इलेक्ट्रिक बसें चलाने का आह्वान किया। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 31 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। इसका परिणाम ये है कि आज धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसें दी है, आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसें ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रयास ये है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रयास ये है प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसने प्रदेश को कर्जे के जाल में बांध कर रख दिया है। आज प्रत्येक हिमाचलवासी पर 92,840 रुपये का खर्चा है और हमें दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, लेकिन हम अथक प्रयास कर रहे हैं और 4 साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के रूप में विकसित करने की जो हमारी योजना है उसका अमली जामा की शुरुआत यहाँ कांगड़ा जिला से हो चुकी है। सर, बस स्टैंड का भी भूमि पूजन किया है? सर, बस स्टैंड का भी भूमि पूजन हुआ है। देखिए, बस स्टैंड आधुनिक बने उस दृष्टिकोण से आज हमने बस स्टैंड का भी भूमि पूजन किया है और जल्दी इस बस स्टैंड का कार्य शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है और आने वाले 18 महीने में इस बस स्टैंड को कंप्लीट किया जाएगा। हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि डिले करप्शंस को हमारी सरकार बिल्कुल सहन नहीं करती है। हम चाहते कि जो काम मिला है उसमें 2 पैसे अगर ज़्यादा भी लगाने पड़े पर काम स्पीड पर हो और काम समय के अनुसार हो, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सर, बसें स्मार्ट सिटी की हैं, क्या स्मार्ट सिटी के लोगों को सुविधा मिल पाएगी? देखिए, बसें जितनी भी आएगी, अभी तो ये 15 आई है, शिमला और धर्मशाला हमारे पर्यटक स्थल है, उस दृष्टि से हम इनमें और बसेस ला रहे हैं। एक साल के भीतर अगले इस साल में अभी जैसे भूमि पूजन अगले साल इस समय अभी और अधिक बसेस यहाँ इस डिपो में पहुँच जाएगी। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस पूरे डिपो को 2-3 साल में हम पूरा ही इलेक्ट्रिकल कर देंगे। नेता विपक्ष की ओर से सर मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने संबंधी बयान है, उसको नेता विपक्ष को कहना चाहिए कि आपकी सीबीआई की इंक्वायरी है, वहाँ से जाँच करवाए और इन दृष्टिकोण से जिनमें गुमनाम नाम होते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं, गुमनाम नाम को तो किसी के भी आपके खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो कोई तथ्य हो उस तथ्य के आधार पर बनता है और उनके समय जितने पत्र जारी हुए अगर सबकी बिना नाम की इंक्वायरी करवाएं तो वो कुछ और बात है। कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन में विश्वास करती है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी समय का हो बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। ये इलेक्ट्रिकल बसेज मिली है, अब कांगड़ा जिला को जो पहली बार इलेक्ट्रिकल बसेज मिली है तो मैंने कहा
हमारी सरकार का उद्देश्य जहाँ हरित राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को विकसित करना है, तो इस 11 किलोमीटर के सफर में जो धर्मशाला से मकलोडगंज का सफर है 11 किलोमीटर का, उसमें बैठकर की चढ़ाई चढ़ जाती है। इसीलिए मैं प्राइवेट ऑपरेटर्स को कहना चाहता हूँ कल बसेस में शिफ्ट हुए, ताकि जो हम हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित कर सके, और जो इलेक्ट्रिकल बसेस में शिफ्ट होंगे प्राइवेट बस ऑपरेटर जिनकी अपनी बसेस है, उसको सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दे रही है सरकार। यानी 1 करोड़ की अगर बस उनको पड़ती है तो 50 लाख रुपया सरकार देगी। ये तो सरकार की तरफ से अनुदान हो गया। अब उनकी आय में कितनी वृद्धि होगी? डीजल बस के मुकाबले उनकी आय में 3 गुना वृद्धि होगी। यानी कि अगर डीजल बस उन्हें आज 50,000 रुपया महीने का छोड़ती है, तो इलेक्ट्रिकल बस में जाने के बाद उनको 1.5 लाख रुपया इलेक्ट्रिकल बस छोड़ेगी, और उसके अलावा उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसकी कोटेशन मांगेंगे इलेक्ट्रिकल उनको रूट मिल जाएगा, उसको हम 50 लाख रुपये की सब्सिडी दे देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे बस ऑपरेटर्स है, टैक्सी ऑपरेटर्स है, ट्रक ऑपरेटर्स है, हम सबको कहना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल बस की गारंटी भी है, चढ़ाई में तेज दौड़ती भी है, आय के साधन को तिगना भी करती है, तो इस दृष्टिकोण से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाइए, सरकार उसमें आपको 50% का अनुदान दे रही है। सर 15 बसें जो है वो आज आपने हरी झंडी दिखा दी है, अब आगामी समय में कितनी और बसें जो है वो HRTC लेगा, क्योंकि शिमला में भी जो है वो कुछ बसें चल रही है, कुछ बसें आपने और लेनी है? नहीं, इस बजट में हमने 1500 बजट इलेक्ट्रिकल बसेस लेने का प्रावधान किया है। कांगड़ा में तो पहली बार ये बस चल रही है ना, 15 जो है शुरुआत हो गई है। आने वाले 1-2 साल में पूरा कांगड़ा का जो धर्मशाला के जितने भी हमारे बस डिपो है उनको इलेक्ट्रिकल करने की और जोर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, तो इस दृष्टि से अभी हम जल्दी और भी इलेक्ट्रिकल बसें कांगड़ा जिला को देंगे। सर अगर बात की जाए, कितना सकारात्मक मानते हैं इस प्रकार से, है लोगों को कैसे लोग डर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए अभी? नहीं, अभी लोगों में थोड़ी जागृति की कमी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को अवेयर करवाएंगे, जागरूक करवाएंगे, मेरा मानना है कि हिमाचल के लोग बड़े बुद्धिमान हैं।